इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि यदि आप पीएम विश्वकर्मा योजना में आप अपना आवेदन करवाए हुए हैं तो अभी तक आपका आवेदन का क्या स्टेटस है, कैसे आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाले, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा। अगर आपके पास में कंप्यूटर है तो और भी आसान तरीके से चेक कर पाइएगा। अगर आप प्ले स्टोर में जाकर के ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीएम विश्वकर्मा लिख करके सर्च करना है। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप ओपन कीजिएगा तो जिस तरीके से आप ऑनलाइन सारा चीज़ चेक कर सकते हैं उसी तरीके से इस ऐप के मदद से भी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आपका मर्जी है, आप चाहे प्ले स्टोर से इसको यूज करना चाहे तो प्ले स्टोर से कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट गूगल क्रोम में भी जा करके कर सकते। तो दोनों का लगभग सेम प्रोसेस होता है। यदि आप मोबाइल ऐप को भी इंस्टॉल करते हैं तो वो भी आपको वेबसाइट पे ही रिडायरेक्ट करेगा। तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर आप यूज करना चाहते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन का स्पेस भी ज़्यादा ख़त्म नहीं हो तो आप डायरेक्ट गूगल क्रोम में जा करके पीएम विश्वकर्मा लिख करके सर्च कीजिएगा। यहाँ पर आपको 3 लाइन के ऊपर में क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे 3 लाइन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखा है, मैं आपको ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन का, तो यहाँ पे आपको लॉगिन के ऊपर में क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख पाइएगा कि काफ़ी सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये पेज फिर से रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिए थे कैप्चा यहाँ पे टाइप करना है। लॉगिन के ऊपर में क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। तो यहाँ पे आपको लॉगिन के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रिव्यू पेंडिंग बाय यूएलबी जोन। तो यहाँ पे यदि आपको पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो आपको अपने नज़दीक में जो अगर आप शहरी क्षेत्र से आते तो नगर निगम में जाना है, वहाँ पर आपको यहाँ पे एक PDF मिलेगा, PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। आधार कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। मेरा आवेदन क्या हुआ था अभी तक जो है अप्रूवल नहीं हुआ है, वो आपको अप्रूवल कर देंगे। उसके बाद यदि आप ग्रामीण एरिया से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो आपके गांव में जो मुखिया होगा उनसे आपको संपर्क करना होगा। वो आपको जो आवेदन आपका जो पेंडिंग में पड़ा हुआ उसको वो अप्रूवल करवा देंगे, तब आगे का आपको प्रोसेस होगा। यहाँ पे पेंडिंग के अलावा कुछ और दूसरा चीज़ दिखाई दे रहा है, जैसे कि रिजेक्टेड दिखाई दे रहा है, तो मतलब आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है, आप कुछ भी फ़िलहाल नहीं कर सकते, आपका आवेदन कैंसिल हो गया है, अब दोबारा नया आवेदन भी आप नहीं कर सकते। तो आप बस आपके फैमिली मेंबर में कोई भी दूसरा सदस्य होगा उनका आप करवा सकते हैं। आवेदन रिजेक्ट होने का मेन रीज़न होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करवा दिए, आप जो भी कामकाज दिए हैं तो आपको वेरिफिकेशन कॉल जो आता है उस समय आप कुछ दूसरा काम बता देते हैं, जिसके कारण से आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है और आपका आवेदन आगे नहीं बढ़ पाता है। यदि आपका पेंडिंग में है तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको कॉल आएगा, जो भी आप इसमें फॉर्म भरने के टाइम में काम दिए थे सेम चीज़ आपको बोलना है। यदि कुछ दूसरा चीज़ बोल देते तो आपके आवेदन भी रिजेक्ट होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। इस तरीके से आपको बता दिया कि कैसे यदि पेंडिंग दिखाई देगा तो कैसे कन्फर्म कीजिएगा। जैसे आपका वेरीफाई हो जाएगा फिर यहाँ पर आप देख पा रहे कि 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें कि चूज़ फ्री 15,000 टूल किट, तो ये भी ऑप्शन आपका क्लिकेबल हो जाएगा। अभी जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये काम नहीं करेगा। जैसे आपका अप्रूवल हो जाता है इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये फॉर्म एक खुलेगा, जिसमें कि आप जो भी काम दिए उसके हिसाब से वहाँ पे टूल किट रहता है उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो 15,000 रुपये का आपको ई वाउचर मिलता है, जिसकी मदद से आप जो है टूल किट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे के साइड में आइएगा, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपका उद्यम सर्टिफिकेट होगा, ID कार्ड होगा, वो जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाई देगा शो करेगा, सभी सर्टिफिकेट को आपको डाउनलोड करके रख लेना है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा उस सर्टिफिकेट का, उस आईडी कार्ड का आप यूज कर सकते हैं। फाइनली इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। यदि आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है, आपका आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए, चालू रहना चाहिए, बैंक अकाउंट रखता है, उसके बाद जो आपका राशन कार्ड का डिटेल्स है वो आप जैसे KYC कीजिएगा सारा डिटेल्स इसमें अपने आप खुद ब खुद आ जाएगा, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपने में जो CSC कॉमन सर्विस सेंटर वहाँ पे जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको जो वेरीफाई करवाने के लिए, अगर आप ग्राम पंचायत से आते हैं तो मुखिया के पास में जाना है, अगर नगर निगम से आते हैं तो आपको इंतज़ार करना है, अपने आप फ़ौरन आ जाएगा। यदि आपके नज़दीक में ऑफिस है तो आप जाकर के भी विजिट कर सकते हैं, जल्दी से आपका काम हो जाएगा। और भी अच्छे तरीके से समझने समझाने के लिए यहाँ पे जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है इसके ऊपर मैं आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन दिखाई देगा इसके ऊपर मैं आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ इस वेबसाइट पे था सब आपको हिंदी में दिख जाएगा, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं यहाँ पे। तो ये जानकारी आप सभी को सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी के लिए और भी नए नए इन्फॉर्मेशन ला सकूँ। इसी अपडेट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।